हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम यूनिट 7 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का बेटा पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस वो हैं बेटा जो कि मैंने जैसा पहले हमारी सीरीज़ में था कि CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करता हूँ कि बेटा अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें जो मैं करा रहा हूँ हर एक यूनिट वाइज, इससे बाहर आपको कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स एज अ डोमेन सब्जेक्ट के अंदर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है। A metal surface is illuminated by a light of a given intensity and frequency to cause a photo emission. If the intensity of illumination is reduced to 1/4 of its original value, maximum kinetic energy of the emitted electron, ये बेटा unchanged रहेगी, है ना? क्योंकि देखो बेटा, intensity का लेना देना plate current के साथ है, क्योंकि intensity जब हम बढ़ाते हैं तो फोटॉन की संख्या बढ़ती है और जिससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो उससे करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी से रिलेटेड है और वो रिलेटेड है बेटा काइनेटिक एनर्जी से। तो एज फार एज काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड, तो वो इंटेंसिटी के साथ रिलेटेड नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की संख्या बढ़ जाती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहती है। ये मैंने कंसेप्ट आपको ब्रीफ में समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो कई बार बेटा इस तरह के क्वेश्चन का बड़ा ध्यान दीजिए कि करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है। कई बार आप जल्दबाजी में कर जाते हैं, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट मार्क कराते हैं, इनकरेक्ट जब लिखा होता है तो करेक्ट मार्क कराते हैं। ये काम मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों का एम्फसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सा स्टेटमेंट है। ठीक, तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। Electrons are emitted from metal surface when light falls from on it. और दूसरा क्या हो जाएगा, the kinetic energy of the photoelectron is more for light of longer wavelength in comparison to that of the shorter wavelength. देखो बेटा, electron कब emit होते हैं, जब light जो है photon की energy कम से कम work function से बराबर हो, तभी तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा ना। तो हर एक लाइट पे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, क्योंकि जब वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। और दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है वो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कह रहा है लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, जबकि शॉर्टर वेवलेंथ के लिए बेटा ज़्यादा होगी, है ना, उल्टा होगा। तो 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट हैं, तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन इसके, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम सोडियम सरफेस इज 6800 एंगस्ट्रॉम, देन द वर्क फंक्शन ऑफ द सोडियम इज। देखो बेटा, सीधे सीधे वर्क फंक्शन निकालना है तो बेटा फोटोन की एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन के होगी, और एनर्जी ऑफ द फोटोन हो जाती है बेटा hc/λ, और जिसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है बेटा 12400/λ। तो अगर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो बेटा सीधे सीधे वेवलेंथ को एमस्ट्रॉन्ग में डाल देंगे, तो सीधे सीधे वेवलेंथ से एनर्जी आ जाएगी, और जो फोटोन की एनर्जी है वो कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है, तो इससे डायरेक्टली हमारे पास वर्क फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी तो वो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है, बस अब हमको ये फॉर्मूला लगा के निकालना है। तो 12400 वेवलेंथ गिवन है बेटा 6800, तो ये लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ये मेरा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूला है, हैंडी फॉर्मूला है बेटा, ये याद रखिए। ये फॉर्मूला जो है
कई बार क्या होता है कि बच्चों के लिए बड़ी सुविधाजनक होता है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कम टाइम में अच्छी कैलकुलेशन करवा देता है ये फॉर्मूला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड इन फोटोसेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। देखो बेटा, इंटेंसिटी मैंने अभी पीछे बताया था कि ये सिर्फ फोटॉन की संख्या को बढ़ाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होगी या मैक्सिमम एनर्जी होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी एज्यूम द फोटॉन एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द मेटल, देन द फोटो करंट विल बी डज नॉट डिपेंड ऑन फोटॉन फ्रीक्वेंसी बट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम। देखो बेटा, फोटो करंट जो है, मैंने पीछे भी बताया भी था आपको कि फ्रीक्वेंसी, बस ये याद रखिए, फ्रीक्वेंसी का लेना देना करंट के उसके पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी रिलेटेड हो गई स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और लाइट की जो इंटेंसिटी है वो रिलेटेड होती है बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है फोटॉन की एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फोटॉन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन फोटॉन फ्रीक्वेंसी बट ओनली ऑन दी इंटेंसिटी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हेन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नो फोटो करंट इज ऑब्जर्व्ड, दिस मीन्स दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बट रीअब्जॉर्ब्ड बाय द इमिटर मेटल। ठीक है, चलिए एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड, देखो बेटा फर्स्ट वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इमिशन तो होगा है ना, लेकिन वहां पे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो इमिटर प्लेट से इमिट हो रहे हैं वो कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्यूमुलेटेड नियर द कलेक्टर प्लेट, ये भी गलत है, क्योंकि वो एक्यूमुलेट कहाँ होंगे, इमिटर प्लेट के पास होंगे और वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे बाय द प्लेट, है ना। नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्पर्स फ्रॉम द साइड्स ऑफ द अपरेटस, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बेटा करेक्ट आंसर इसका 2 होगा। ठीक है, क्लियर, ये हमारे पास इसका स्टेटमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड, बेटा लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल होता है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब कभी भी वेवलेंथ हाफ करी गई या फ्रीक्वेंसी को डबल किया गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल नहीं होगा बल्कि मोर देन डबल होगा, ये पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट सोर्स आर बोथ डबल्ड, अब फ्रीक्वेंसी को भी डबल किया है इंटेंसिटी को भी डबल किया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, द सैचुरेशन फोटो करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, बिल्कुल सही है, तो ये वाला तो वन वाला तो ट्रू है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, ये फॉल्स है बेटा, वो मैंने अभी पीछे बताया था कि मोर देन डबल्ड हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बेटा बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, बस कंसेप्ट का ध्यान रखिए, आप लोगों ने कंसेप्ट तो पढ़ा है। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस क्या कहता है, हैव स्पीड वेरिंग फ्रॉम 0 अप टू अ सर्टेन वैल्यू, बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं,
अब ज़रूरी नहीं है कि वो वैलेंस वाले निकलें, जो वैलेंस वाले निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और जो अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होंगे। तो बेटा जो स्पीड होगी वो ज़ीरो से एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक क्या करेगी, वैरी करेगी। ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर प्लॉटेड फॉर टू डिफरेंट फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस ए एंड बी, द ग्राफ शोज द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज स्मॉलर देन बी। बेटा एक्चुअल में मैं आपको अभी ग्राफ बना देता हूँ क्योंकि इसमें ग्राफ शायद मिस हो गया है ना। वो ग्राफ कुछ इस तरह से था कि ये हमारे पास ग्राफ हो गया दो डिफरेंट मेटल के लिए, है ना। ये हमारे पास ए होता है और ये बी होता है। बेटा जो राइट साइड पे होगा, है ना, ये वाला अगर ए है और ये बी है, ठीक। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि वाई एक्सिस पे बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो बेटा ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए की और ये आपका हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बी का। तो बेटा देखो क्लियरली क्या दिख रहा है कि बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक। तो यही कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज प्लॉटेड फॉर टू डिफरेंट फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस ए एंड बी, द ग्राफ शोज वर्क फंक्शन ऑफ ए क्या होगा बेटा, बी के कंपैरिजन में कम होगा, स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, क्योंकि ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, है ना। ये ग्राफ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एमस्ट्रॉन्ग फॉल्स ऑन ए सेंसिटिव प्लेट विद फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन गिवन है। बेटा तो लाइट की वेवलेंथ है 5000 एमस्ट्रॉन्ग, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन है बेटा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड विल बी, बहुत इजी है बेटा, आपको पता है E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो फोटोन की एनर्जी इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे जो कि 12400 अपॉन लैम्डा, मैंने अभी पीछे फॉर्मूला बताया था। तो एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी जब वेवलेंथ को एमस्ट्रॉन्ग में डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 12400 अपॉन 5000। ओके, ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, लगभग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, 124 अपॉन 50। तो कितना आएगा चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2.48 आंसर आ जाएगा इसका। तो फोटॉन की एनर्जी हो गई 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बस ये आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के इक्वेशन में डाल देंगे, मेरा लाल डब्बा ये रहा, इसमें बस डाल देंगे इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ को, है ना। तो E की जगह बेटा 2.48 डाल दिया और वर्क फंक्शन गिवन है बेटा 1.9, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल लेंगे और ये आ जाएगा के ई मैक्सिमम आएगा बेटा 2.48 -1.9, तो लगभग 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ये मेरा आंसर यहाँ चमक रहा है, लाल डब्बे में डाल दिया। बेहद ईजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो मेटल गिवन है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है बेटा। तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड निकालना, सीधे सीधे निकाल लेंगे तो लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगा, वही फार्मूला 12400 अपॉन वर्क फंक्शन, को सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डालेंगे। तो जब कभी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, वेवलेंथ निकालनी है, तुरंत निकाल लीजिए इसी फार्मूले से। बस अब ये डाल देना है, ये आ जाएगा 6.63, ठीक है। तो ये लगभग हमारे पास आ जाएगा 1866 एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगा, कैलकुलेट करके निकालेंगे जब, ठीक। तो 1866 एमस्ट्रॉन्ग आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है सोडियम एंड कॉपर हैव अ वर्क फंक्शन, ये रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब बहुत इजी है, वही चीज़ हो गई, रेशियो ऑफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो ये हो जाएगा लैम्डा फॉर सोडियम अपॉन लैम्डा फॉर कॉपर, है ना, सिंबल की जगह एस और सी लिख दिया, तो ये बराबर हो जाएगा बेटा 12400 अपॉन क्या हो जाएगा एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा सोडियम अपॉन 12400 एनर्जी ऑफ कॉपर, तो ये हो जाएगा ई सी अपॉन ई एस, और ई सी है बेटा 4.5, ई एस हो गया 2.3। ओके, तो ये लगभग मेरे ख्याल से तो 2:1 ही आएगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 2:1 का ही रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2:1 का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट टू कह रहा है ना, तो नियरेस्ट टू तो 2:1 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए समझते हैं। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बेटा इंटेंसिटी को बढ़ाया है तो क्या बढ़ेगा हमारे पास बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन की संख्या बढ़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और जिससे करंट की वैल्यू चेंज करेगी, तो फोटो करंट इंक्रीज करेगा, है ना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये वो बेटा क्वेश्चंस थे जो कि यूनिट 7 से मैंने छांट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि आपके CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर ज़रूर करिएगा, मेरा हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से करिए, बाकी सारी चीज़ें जो हैं अपने आप हो जाएंगी, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घबराते बहुत हैं हर छोटी छोटी चीज़ों पर, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, तो क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाना मेरा काम है, सॉल्यूशन करके आपके सामने समझाना मेरा काम है, आपको तो बस पढ़ते रहना है और तो कुछ करना नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।